कैसे आप दो या तीन या चार होने वाले टेस्ट्स को रिलेशनशिप क्रिएट करा करके एक साथ देख सकते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ क्रिएट पे चलता हूँ और क्रिएट पे जाने के बाद आपको सिनेरियो कुछ ऐसे तरह का दिखाई पड़ता है जैसा कि आप जानते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ व्यू पे क्लिक कर देना। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टूडेंट की टेबल बनानी है। तो ये लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट टी, तो ये लिख दिया स्टूडेंट और फिर लिखा टी, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी की दिख रही है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ रोल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैं आमतौर पर करता हूँ। यहाँ पर डाल दिया मैंने रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर को ऑटो नंबर ही रख देता हूँ। और फिर यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट कर देता हूँ, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर आना है, यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट रखना है। फिर जैसे ही यहां पर आते हैं तो यहां पर आने के बाद क्या होगा, क्लास की बात आएगी, तो यहां पर क्लास कर देता हूं CLASS क्लास, ठीक है। और क्लास यहां पर क्या करेंगे, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट ही हम रखने वाले हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना है। तो अब व्यू पे क्लिक कर देंगे और बाकी की डिटेल्स यहाँ फिल कर देंगे हम, जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट और क्लास हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ध्यान रहे कि इसमें हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ ऋषभ, कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने ऋषभ, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास, तो मान लीजिए क्लास लिख देता हूँ 12th, ठीक है। फिर यहाँ पर आता हूँ, फिर यहाँ लिखता हूँ अनूप, तो ये लिख दिया अनूप, और ये क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ 11th, ठीक है। फिर यहां पर आता हूं, फिर यहां पर लिख देता हूं आसिफ, ये नाम हो गया, और फिर यहां क्लास लिख देता हूं 12th। इसी तरीके से और भी एक दो नाम यहां पे एंटर करवा लेता हूं, लाइक अवनीश कर लेता हूं, ये हो गया अवनीश, और यहां पर क्लास हो जाएगा आपका 10th, ठीक है। तो ये हो गया, ये चार नाम हमने एंटर करा लिया। अब इसको सेव कर लेता हूं और सेव करके टेबल को यहां से कर देता हूं क्लोज। तो ये काम हो गया हमारा, और अब हो गई हमारी स्टूडेंट टी के नाम से, ठीक है। अब हमको दूसरी टेबल बनानी है, तो क्रिएट पे जाकर के जैसा मैंने बताया था टेबल पे चले जाइए और फिर यहां व्यू पे आ जाइए। अब ये जो टेबल बनानी है वो किस नाम से बनानी है, यूनिट टेस्ट वन, तो ये लिख दिया मैंने यूनिट, फिर लिखा टेस्ट और यहां पर लिख देता वन, तो ये हो गया यूनिट टेस्ट वन। अब ये टेबल यूनिट टेस्ट वन के नाम से बन रही है, यहां पर आईडी आ रही है। अभी हमें क्या करना है, यहां पर आईडी रखना है या नहीं रखना है, तो यहां पर मैं कर देता हूं रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लिखा मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर यूनिट टेस्ट वन, यूनिट टेस्ट वन ये लिख दिया हमने, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिट टेस्ट वन के लिए होगा, ठीक है। तो यहां पर आकर के और इसको मैं डेटा टाइप क्या कर देता हूं, शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है, तो इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रख देता हूं। और फिर यहां रोल नंबर तो था ही, तो रोल नंबर को यहां पे मैं कर देता हूं नंबर डेटा टाइप, ठीक है। तो रोल नंबर को आपको भी रखना है नंबर डेटा टाइप कुछ इसी तरीके से। तो ये रोल नंबर लिख दिया और फिर यहां पर आएगा नंबर डेटा टाइप, क्योंकि वहां पर ऑटो नंबर था तो यहां पर आप नंबर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये हो गया हमारा काम। अब देखिएगा यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स लेके आने हैं, नाम नहीं लेना है हमको, सब्जेक्ट लेना है। तो लाइक इंग्लिश ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पे मैथ्स ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ और ये ले लेता हूँ मैथ्स। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे हम नंबर डेटा टाइप रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रहेगा ये। अभी चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे कंप्यूटर ले लिया हमने, और कंप्यूटर लेने के बाद यहाँ पर टोटल कर देता हूँ। तो चूंकि 2016 यूज कर रहा हूं, तो इसकी खास बात यही है कि यहां पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिल जाता है। पहले इसको चेंज कर लेता हूं, यहां पे इसे नंबर बना लेता हूं, इसको भी नंबर बनाना होगा। जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे उनको हम नंबर ही रखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा काम, और यहां पर आकर के इसको नंबर रख लीजिए, ये भी नंबर, बल्कि इसको हमें रखना है कैलकुलेटेड, तो ये कैलकुलेटेड फॉर्मेट में रख लीजिए इसको। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, और जो भी सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है पहला सब्जेक्ट, तो इंग्लिश को लेकर के, और फिर दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, तो दूसरे बारी में हमें मैथ्स लेना है, तो प्लस का निशान लगा करके यहाँ पे लिख दीजिए मैथ्स, MATHS, ये हो गया मैथ्स, और फिर प्लस का निशान लगाइए। और थर्ड टाइम में हमें क्या लिखना है, मैथ्स के बाद अब हमें लिखना है कंप्यूटर, तो ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट हमने ले लिए हैं, और यहां से करना है आपको ओके प्रेस, तो बस यहां से ओके कर दीजिए, ये काम हो गया है आपका, टोटल आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा इससे। फिर यहां पर आइए एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था आपको, तो ये एवरेज आएंगे और फिर यहां पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप ही ले लेंगे हम। तो यहां से देखिए आपको कैलकुलेटेड मिलेगा, और कैलकुलेटेड लेने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर टोटल के बेस पे, टोटल के ही बेस पे
हमें कैलकुलेट भी करना है। तो टोटल और कितने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे 3 लिखिए और यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ही इजी आपका काम हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है टेस्ट का वो डाल दीजिए। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट टेस्ट 1 की, तो यूनिट टेस्ट 1 में रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रहा हो उसको आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देता हूँ, चूंकि यूनिट टेस्ट 1 है तो U1001 ये कर दिया हमने। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे रोल नंबर आएगा, तो रोल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 1 हो गया। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए, 45 आए, 67 आए, फिर यहाँ पर 78 आए। तो यहाँ पर टोटल अपने आप कैलकुलेट हो गया और एवरेज भी अपने आप कैलकुलेट हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे यू और यहाँ पे लिखेंगे 1002, तो ये हो गया। और यहाँ पर फिर रोल नंबर 2 आएगा और फिर यहाँ पे मार्क्स जो भी ऐड करने हैं आपको, तो ये यहाँ पर देते चले जाइए और आपका काम हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं, अब इसको भी सेव कर लेता हूँ। अब हमें तीसरी टेबल बनानी है जो कि यूनिट टेस्ट 2 के लिए होगी, ठीक है। ये 1 हो गया, अब 2 के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ पर जा करके और यहाँ मैं लिख देता हूँ यूनिट टेस्ट 2, ये लिख दिया यूनिट टेस्ट और फिर लिखेंगे 2। तो बस हो गया काम ये हमारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या देनी है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर यूनिट टेस्ट 2 देना है, ठीक है। ये दे दिया और यहाँ पर आप शॉर्ट टेक्स्ट रख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख लीजिए और फिर यहाँ पर आप दे दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर यूनिट टेस्ट 1, तो ये यूनिट टेस्ट 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये 1 के लिए जो नंबर होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये 1 के लिए नंबर आएगा और बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आप डालते चले जाइए। लाइक इंग्लिश है, ठीक है, ये हो गया इंग्लिश। और फिर यहाँ पर आइए और फिर यहाँ पे कर दीजिए मैथ्स, तो MATHS मैथ्स हो गया। और फिर यहाँ पर आइए आप, तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर कर दीजिए। और कंप्यूटर करने के बाद यहाँ पर भी शॉर्ट टेक्स्ट रख लीजिए और यहाँ पर टोटल कर लीजिए, तो ये कर लीजिए टोटल, तो इनका भी टोटल यहाँ पे होके आ जाएगा। और यहाँ पे कर दीजिएगा एवरेज, तो बस इतना ही करना है हमें। बाकी की चीज़ें ग्रेड वगैरह तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने सिखाया निकालना, आप ग्रेड देख करके सीख सकते हैं कैसे निकाला जाए। फिलहाल हमको यही समझना है अभी, तो यहाँ पर आइए और इसे नंबर डेटा टाइप बनाइए, फिर यहाँ पर आइए इसे भी नंबर डेटा टाइप रखिए और यहाँ पर आकर के इसे भी नंबर डेटा टाइप रखिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पर अब हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ कैलकुलेटेड रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। तो ये भी मैंने कॉमन कर दिया है। और रोल नंबर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या रखना है, इसे नंबर डेटा टाइप बना दीजिएगा, बस हो गया काम। और यहाँ से ओके करिएगा तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर रोल नंबर भी आ रहा है, तो यहाँ पर रोल नंबर भर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 1 लिखिए और फिर यहाँ पर नीचे 2 लिख दीजिए, तो ये दोनों रोल नंबर तो आ ही गए, ये हो गया। अब यहाँ से सेव कर लीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए, ये जो यूनिट टेस्ट 2 वाली टेबल है इसको ऑफ कर दीजिए। अब जब रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे तो यहाँ डेटाबेस टूल्स पे जाके और रिलेशनशिप पे जाइए। ये देखिए, ये तो रिलेशनशिप क्रिएटेड है पहले से, इसको भी यहाँ लेके आ जाता हूँ। और अब इसको देखिए कैसे मैं रिलेशनशिप क्रिएट करा के आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है ना, ये रोल नंबर को रोल नंबर से लिंक करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, रोल नंबर को रोल नंबर से यहाँ से लिंक कर दीजिए आप। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये लिंक हो गया, ठीक है। यानी तीनों टेबल्स आपस में लिंक हो गई, आप देख सकते हैं तीनों टेबल्स आपस में किस तरीके से लिंक हो गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर लीजिएगा, सेव तो करना ही है, तो ये सेव कर लिया। अब इसको एक बार क्लोज कर दीजिए। जब क्लोज करेंगे तो ये देखिए, ये टेबल 1 है, तो यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है रोल नंबर 1, नाम है क्या, ऋषभ, क्लास 12th के हैं ये। और यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो यूनिट टेस्ट 1 की डिटेल देखनी है, 2 की डिटेल देखनी है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये डिटेल कुछ इस तरीके से खुल करके आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और फिर इस पर अगर क्लिक करते हैं तो फिर ये पूरी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल भर है
आप इसके बेस पे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना हो, विजुअल बेसिक की मदद आपको लेनी पड़ेगी, .NET की मदद लेनी पड़ेगी, आप बड़ा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कैसे मैंने एक रोल नंबर को यहाँ पे लिया, और क्लास क्या है ये भी पता चल रहा है, इनके मार्क्स क्या है ये भी पता चल रहे हैं, यूनिट टेस्ट वन के मार्क्स क्या है ये पता चल रहे हैं, फिर यूनिट टेस्ट टू के मार्क्स क्या है ये भी पता चल जा रहा है। इसी तरह से अगर आपको आसिफ का देखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब चूंकि मैंने इसमें फिल नहीं किया है पूरा डेटा, तो इसमें फिल करूंगा तब ये आएगा। यहाँ पर देखिए केवल दो ही चीजें फिल की गई हैं, तो यहाँ पर आप कर लीजिए U1003, तो ये 3 कर दिया मैंने, और यहाँ पर रोल नंबर 3 हो जाएगा। और रोल नंबर 3 करने के बाद यहाँ पे मार्क्स आप डालिए, यहाँ पे 67, 78 और यहाँ पे 90 कर दिया हमने, तो बस ये आ गया। अब इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, ये सेव हो गया। और सेव करने के बाद यहाँ पर भी आपको डिटेल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी देखना होगा, तो यहाँ पर इसको ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर देता हूँ UT, ठीक है, और UT2 ही है, तो UT2003 ये कर दिया हमने। और यहाँ पर आइएगा, रोल नंबर डाल दीजिए, तो ये रोल नंबर डाल दिया आपने, और यहाँ पे कर दीजिए UT1003, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। और फिर यहाँ पर कर दीजिए 45, 67, जो भी मार्क्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आप दे दीजिए, ये दे दिया और ये आ गया। अब इसको यहाँ से सेव कर लीजिए, ठीक है। अब वापस से चलते हैं कहाँ पे, एक बार रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं, ये रिफ्रेश पे क्लिक करने से रिफ्रेश हो जाता है। अब स्टूडेंट टी पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि आसिफ की भी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, देख सकते हैं, ये आसिफ की ही डिटेल है, देख लीजिए, ये 3 है और यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल कुछ इस तरीके से आई हुई है। रिफ्रेश पे आपने क्लिक कर दिया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए इनका मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है, रोल नंबर क्या है, ठीक है, वो दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो दिख रहा है, ठीक है, यूनिट टेस्ट वन में क्या डिटेल थी वो दिख रही है, 67% यूनिट टेस्ट वन में था और 78% जो है इसमें है, तो वो भी दिख रहा है, यूनिट टेस्ट टू में भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है भाई, मैंने भी सीखा है तभी तो बता रहा हूँ, तो ये नामुमकिन नहीं है, आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।